नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रेप जोन पे। आज हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, मुगल साम्राज्य। जो भी लोग आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं और ख़ासकर जिस एग्ज़ाम का सिलेबस जी और जीएस है, उन सब के लिए मुगल साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लें, एक या दो सवाल मुगल साम्राज्य से ज़रूर रहता है अगर उस पेपर में जी और जीएस आ रहा है तो। और आने वाले समय में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं। रेलवे का एनटीपीसी होने वाला है, रेलवे का ग्रुप डी होने वाला है, बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का होने वाला एग्ज़ाम, यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड का एसएससी, झारखंड का सीजीएल का फॉर्म निकल चुका है। तो इन सब एग्ज़ाम्स में जहाँ जीए जीएस आता है तो मुगल साम्राज्य से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जो सारे ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें लिए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज भी आप लोगों के लिए है कि ये 50 क्वेश्चन हैं, आप देखिए आपको कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं, मुगल साम्राज्य क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसका टाइम क्या है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इसके राजा थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1526 ईस्वी में, जब पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, ठीक है। उसी समय जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और बाबर ने जो एक नए वंश की स्थापना की, नए डायनेस्टी की स्थापना की, नए साम्राज्य की स्थापना की, उसका नाम मुगल वंश था, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें छह इम्पॉर्टेंट राजा हुए, छह इम्पॉर्टेंट लोग हुए जो गद्दी पर बैठे। उसका नाम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बहुत सारे लोगों को इसमें ही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो मैं जब पढ़ने के टाइम में था, स्टडी पीरियड में था, तो मैंने अपना एक ट्रिक बनाया था, आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए। जैसे भारत में भाजपा पार्टी है, ठीक है, तो मैंने इसका भाजसा बनाया था, सिर्फ देखिए भाजसा बनाया था, भाजपा और पी और एस नहीं है, सिर्फ भाजसा बनाया था। अब आप देखिए, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। मैंने ये अपना बनाया हुआ है, मुझे इस तरीके से याद रहता है। हालांकि जब आप डीप में पढ़ लेंगे तो इन ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर भी अपने ध्यान रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्थापना का जो मैंने टाइम लिखा हुआ है ना, वो दो बार बांट के लिखा हुआ है, मतलब 1526 से 1540 तक एक बार, और फिर तोड़ करके लिखा हुआ है 1555 से 1857। इसका क्या मतलब है, बीच में क्या हुआ 15 साल? तो आपको बता दूं कि बीच में एक शेरशाह सूरी नाम का सूर वंश का जिसने स्थापना किया था, 1539 और 40 में दो लड़ाइयाँ हुई हैं हुमायूं के साथ, और दोनों ही लड़ाइयों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं इंडिया छोड़कर ईरान भाग गया था 15 सालों के लिए। इन 15 सालों में इंडिया में सूर वंश का शासन था, इसीलिए इन 15 सालों को मुगल वंश के टाइम पीरियड में नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है सूर्यवंश ने कब से कब तक शासन किया है। उसमें से शेरशाह सूरी इम्पॉर्टेंट राजा था, जो कब से कब किया, तो 1540 से 1545 तक किया है, ठीक है। ये संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ जाते ही आपका चैलेंज भी शुरू होता है कि हर क्वेश्चन को मैं 1 या 2 सेकेंड, 5 सेकेंड छोड़ दूंगा, आप खुद ही उसको देखिए कि क्या आंसर है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। इस तरह से जब 50 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, या आपको कितना क्वेश्चन आता है, आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपको कहाँ तक मुगल साम्राज्य के बारे में पता है, ठीक है। तो आइए, पहला सवाल है, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई है, ठीक है। किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई है, अभी अभी मैंने बताया था कौन सा युद्ध है, बताइए। तो इसका इसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। कब हुआ, 1526, ठीक है, 1526, ठीक है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, कौन थी।
तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं कम समय लूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? निश्चित रूप से अभी भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, संक्षिप्त परिचय मैंने दिया था, तो संस्थापक कौन था? बाबर, तीसरा इसका सही आंसर है। चौथा सवाल है, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बाबर ने जब 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की है, तो उसके बाद लगातार 3 और सालों में 3 युद्ध उसने किए हैं, ठीक है। तो 1527 में जो युद्ध हुआ है, ठीक है, और 1528 में जो युद्ध हुआ है वो देखिए, 27 वाला युद्ध तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ है, जिसको कि खानवा का युद्ध कहा जाता है। 1528 वाला जो युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ है, ठीक है, जिसको कि चंदेरी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। एक और युद्ध हुआ है बाबर और अफगानों के बीच, जो 1529 में हुआ है, 1529 में हुआ है बाबर अफगान, इसको कि घाघरा का युद्ध कहा जाता है। ये तीनों याद रखिएगा कि 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ खानवा का युद्ध, 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध, और 1529 में अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध। कुछ लोग इसको ट्रिक भी बना के रखें, वो भी ज़रूरी है, नहीं याद रहता है। तो 26 में पानीपत, तो 26 में पानी पिया, 27 में खानवा का युद्ध, तो 27 में खाना खाया, 28 में चंदेरी का, तो 28 में चाय पिया, ठीक है, इस तरह से 29 में घाघरा का युद्ध, तो 29 में गाना गाया। कुछ भी अपने मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से युद्ध अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ और किसके साथ हुआ। तो बाबर के 4 युद्ध थे, ठीक है, बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं उसका बेटा गद्दी पर बैठा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बाबर के ऊपर है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो पहला आत्मकथा का नाम क्या था, ये जानिए। आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा। इसने लिखी थी तुर्की भाषा में, याद रखिएगा, इसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी, ठीक है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ठीक है, हुमायूं की बात हो रही है तो बता दूं कि हुमायूं ने दो लड़ाइयाँ लड़ी, दोनों शेरशाह सूरी के साथ, एक 1539 में, 1539 में, एक 1540 में। तो 39 में जो लड़ाई लड़ी है वो चौसा का युद्ध है, उसमें भी हार गया। 40 में लड़ाई लड़ी है, उसी को बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, ये भी हुमायूं और शेर शाह के बीच ही हुआ, ठीक है। इसमें हारने के बाद जो हुमायूं था वो इंडिया छोड़कर भाग गया, ईरान चला गया। लगभग 15 वर्षों तक ईरान में वो अपनी जिंदगी व्यतीत किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं और शेर शाह। शेर शाह सूरी गद्दी पर कब बैठा? ऑब्वियस ही बात है, अब बताइए आंसर क्या होगा, अभी भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 1540। जब लड़ाई करने के बाद, बिलग्राम की लड़ाई करने के बाद शेर शाह सूरी उस लड़ाई में जीत गया और हुमायूं गद्दी छोड़कर भाग गया, तो शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठा 1540 में। इसने 1540 से 1545 तक इसने शासन किया है। अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक करवाया गया है? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक करवाया गया है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो ऑप्शन है, दिल्ली से पेशावर, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से पाटलिपुत्रा, कोलकाता से पेशावर। इसका सही आंसर है कोलकाता से पेशावर, ठीक है। इसको आज के समय में, चूँकि अमृतसर से पेशावर का रास्ता जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, तो उसके जो इधर का रास्ता है अमृतसर से कोलकाता तक, ये भारत में है। इसको दो भागों में बांट दिया गया है, NH1 और NH2। ध्यान रखिएगा आप लोग, NH1 जो है वो है दिल्ली से लेके अमृतसर तक, और NH2 जो है वो है दिल्ली से लेके कोलकाता तक, ठीक है। NH1 प्लस NH2 दोनों मिला करके ग्रैंड ट्रैक रोड बोला जाता है। तीसरा सवाल है कि शेर शाह की मृत्यु कब हुई? शेर शाह की मृत्यु 1545 में हुई है।
अगला सवाल है, हुमायूं दोबारा गद्दी पर कब बैठे? ये बात मैंने पहले डिस्कस कर लिया, आपको इसका आंसर निश्चित रूप से पता होगा। तो हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा भारत आया, ठीक है, और दोबारा गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु पहले तो 1556 में हुई है, ये जान लीजिए, और उसकी मृत्यु हुई है, एक लाइब्रेरी था दीन पनाह, हाँ, उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, अकबर का जन्म कब हुआ है? तो अकबर का जन्म हुआ है, बताइए आप लोग, 1543, 1544, 1542, 1540, किस ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ है? इसका सही जवाब है, अकबर का जन्म 1542 में हुआ है, जब यहाँ से हुमायूं गद्दी छोड़कर भाग रहा था, तो रास्ते में, ठीक है, कहीं पे अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है, 1542 में। अकबर गद्दी पे कब बैठा? तो ऑब्वियस सी बात है, अकबर गद्दी पे कब बैठा? जब हुमायूं की मृत्यु, सॉरी, हाँ, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में हुई है। अकबर गद्दी पे कब बैठा? 1556 में। इसका आंसर क्या है? दूसरा है। उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है आपका, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, अकबर और बैरम खान, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन तो अकबर और हेमू है दूसरा आंसर, लेकिन एक्चुअल में कहीं कहीं ऑप्शन बैरम खान और हेमू भी मिल सकता है, क्योंकि चूंकि 1556 में अकबर बहुत कम उम्र का था, 14 साल का था, तो वैसे में उसका संरक्षक बैरम खान बना, तो किसी भी युद्ध में बैरम खान ही लड़ाई करता था। तो उस समय अकबर जो एक्चुअल लड़ाई हुई है, एक्चुअल लड़ाई एग्जिस्ट हुई है, वो है बैरम खान और हेमू, लेकिन ऑप्शन में अकबर और हेमू भी रहता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा, आप उस ऑप्शन को सही करेंगे। आगे सवाल है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के नवरत्न थे, आपको पता होगा, उसमें से बहुत सारे लोग थे, टोडरमल जी थे, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, ये सारे थे। उसमें से जो भू राजस्व सुधारों के लिए कौन थे, ये ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन है अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में ये आया है कि टोडरमल जी कौन सा विभाग देखते थे, या फिर इस तरह से जो हूबहू सवाल है, भू राजस्व सुधारों के लिए, भूमि सुधारों के लिए जो है वो कौन सा विभाग था, या कौन इसको देख रेख करते थे, उसका सही आंसर है टोडरमल। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1582 में, ठीक है। अकबर ने किसे कवि राय या कवि राज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कवि राज या कवि राय की उपाधि दी? इसका सही आंसर है बिरबल। बिरबल का एक्चुअल नाम महेश दास था, ये भी जान लीजिए, ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी जानकारियाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, वो मैं आपको दे दूँ, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना हो, कहीं और आपको मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, अकबर ने दीले धर्म, ओहो सेम सवाल है, अकबर ने दीने इलाही धर्म की, दीन ए इलाही होना चाहिए था, दीन के टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की है? मैंने अभी अभी बताया है, 1582 ईस्वी में की है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया, और यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, ठीक है। आयने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आयने अकबरी, अकबर के बारे में उनकी जीवनी है, पूरी डिटेल में लिखी हुई है, किन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अकबर नामा किन के द्वारा लिखी गई? तो अकबरनामा भी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। एक चीज़ आपको बता दूं, अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने करवाई थी,
ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जहांगीर को लगता था कि जब तक अबुल फजल रहेंगे मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। गुजरात जीतने के बाद अकबर ने किस चीज़ का निर्माण कराया था उसकी याद में, तो बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बनवाया था, अकबर निर्माण करवाया था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा गलत है ये कहने वाला, उसकी भर्त्सना करने वाला अकबर, हमारे जो सबसे महान राजा मुगलों में अगर कहा जाए, जिनको कि दूसरे धर्म के प्रति भी लिबरल स्वभाव था, ठीक है, वो अकबर थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? मैं बता चुका हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन से बता चुका हूँ कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। उदयपुर जब आप जाएंगे तो वहाँ भी एक है चेतक, उनके घोड़े का नाम चेतक था, उनके नाम से एक समाधि वो बनी हुई है, आप ऊपर देखने के लिए जाएंगे तो उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? ठीक है, दास प्रथा का अंत, देखिए जितने भी अच्छे काम होंगे वो ज़्यादातर अकबर से रिलेटेड होगा, ठीक है। जितना भी निर्माण कार्य होगा बड़े बड़े मस्जिद का, किला का, वो सब शाहजहाँ का, मतलब उसका आंसर शाहजहाँ होगा। ये सब ध्यान रखिए कुछ कुछ चीज़ें। तो दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? सामाजिक बुराई थी, ठीक है, तो इसका अंत किया है 1562 में हमारे अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु हुई है 1605 में, 1556 से लेकर 1605, लगभग 49 सालों तक अकबर ने शासन किया है। तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तब उनके बेटे, जिनको कि बचपन में सलीम कहा जाता था और बड़े होकर उनका नाम जहांगीर पड़ा, जहांगीर शासन में आए, राजगद्दी पर बैठे, ठीक है। अगला सवाल है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मतलब ये है कि चित्रकारी जो है को बढ़ावा किस शासक ने सबसे ज़्यादा दिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी, जहांगीर। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये छूट गया था हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने दिया है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, गुलबदन बेगम या हुमायूं खुद, ठीक है। तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी, जो हुमायूं की बहन थी, उसने हुमायूं के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में लिखा था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का टॉम्ब कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है कोलकाता, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या फिर आगरा, ठीक है। इसका सही जवाब है दिल्ली, दिल्ली में INA के पास जो है वहाँ पे इसका टॉम्ब है, मकबरा हुमायूं का है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शेरशाह का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में स्थित है। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ठीक है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, ठीक है। तो इसका सही जवाब है शेरशाह, शेरशाह सूरी के कॉन्टेम्प्रोरी थे, उसी समय में इन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की रचना की है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव सिंह जी को फांसी किसने दी थी? दो चीज़ बता देता हूँ आपको, सिखों के दो गुरु, एक पांचवें, एक और गुरु थे, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊँगा। इन दोनों गुरु को दो मुगल शासकों ने फांसी दी या बंद किया, ठीक है। एक पांचवें गुरु अर्जुन देव सिंह जी थे, इनको दिया है जहांगीर ने। क्यों दिया है? तो जहांगीर का बेटा था, जहांगीर का बेटा जिसने, खुसरो उसका नाम था, जिसने विद्रोह किया था, और विद्रोह करने के पश्चात जो है
अर्जुन देव सिंह जी ने उनको शरण दिया था, इनके बेटे खुर्रम को। तो उसी रीजन से जहांगीर ने अर्जुन देव सिंह जी को बुलाकर उसको फांसी दे दी थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। कितनी बार आपने कई सारे अकबर के रिलेटेड जो मूवीज हैं या फिर कुछ सीरियल्स हैं उसमें भी सलीम 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 वर्ड काफ़ी बार यूज हुआ है। ठीक है, सलीम का नाम पर नाम क्यों उनका दिया गया ये भी जान लीजिए। तो अकबर को 27 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा कोई भी संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ था। तो एक सलीम चिश्ती का दरगाह था, वहाँ पर वो गए थे, उन्होंने मन्नत मांगी थी। तो इनको 3 पुत्र हुए, बट 2 पुत्र का देहांत बहुत ही जल्दी हो गया, एक सलीम जो पुत्र है वो रहा। तो इसीलिए उनका उन्हीं के नाम पर उनके बचपन का नाम सलीम रखा गया था। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में न्याय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इसमें सख्त थे। इवन कि जब खुसरो जो इनका बेटा था वो विद्रोह करने के बाद जब पकड़ा गया तो इन्होंने उसकी आंखें फुरवा दी थी। आप सोच लीजिए कि न्याय के लिए जब अपने बेटे की आंखें फुरवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए न्याय की जंजीर के लिए हमेशा जहांगीर को याद किया जाता है। जहांगीर की बीवी नूर जहाँ का असली नाम क्या था? जहांगीर की बीवी नूर जहाँ का असली नाम था मेहरुन्निसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेहरुन्निसा बार बार एग्जाम में आया है। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? जहांगीर की मृत्यु हुई है 1605 में गद्दी पे बैठा है, 1627 में इसकी मृत्यु हुई है। ये सारा टाइम याद रखिए कि कब से कब कौन से। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 40, फिर 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627। ये याद रखना ज़रूरी है इस तरह से। उससे क्या होगा, और भी क्वेश्चन होगा तो उसे रिलेट करके आप बता, नहीं नहीं इस समय में तो वो था ही नहीं, इस तरह से रिलेट करके आप आंसर को छाट सकते हैं, हटा सकते हैं। अगला सवाल है, सर टॉमस रो या और कैप्टन हॉकिंस दोनों यूरोपियन थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये कई बार एग्जाम में आया है, अलग अलग आएगा, कभी कैप्टन हॉकिंस के नाम से आएगा, कभी सर टॉमस रो के नाम से आएगा, कि ये किसके शासनकाल में भारत आए थे। कई बार जो लोग पेपर देते होंगे उनको पता होगा ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है। इसका सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ये दोनों सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दोनों ही भारत आए थे। किस राजा के शासनकाल को संगमरमर का शासनकाल कहा जाता है? संगमरमर का शासनकाल मतलब क्या, वास्तुकला का शासनकाल। उन्होंने संगमरमर के पत्थर का बहुत सारा यूज किया था। भारतीय वास्तुकला को जो आज आप देख रहे हैं, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, ये सब कुछ जो है उस एक ही राजा ने ये भारतीय वास्तुकला को कह सकते हैं, मतलब भवन निर्माण जो है वो उसको बहुत ही चरमोत्कर्ष पर लेके गए। ठीक है, उनका नाम था शाहजहाँ। ठीक है, और चूंकि इनके हर उसमें जो भी इन्होंने बनाया है उसमें वाइट संगमरमर या रेड संगमरमर का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, इसीलिए उस काल को संगमरमर का शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनमें से किसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया है? ऑप्शन तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 ऑप्शन है। लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद आगरा या ताजमहल। जिनको पूरी डिटेल नहीं पता होगा वो सोच सकते हैं कि इसका आंसर ताजमहल होगा, लेकिन आपको बता दूं मैंने जानबूझकर ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। इसका आंसर ये सब है, ये सभी ऑल, ये सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। मैं एक क्वेश्चन में जानबूझ के सारे ऑप्शंस दे दिया हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझें कि इनमें से इन सब का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है। इसको याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में आता है, कभी मोती मस्जिद के नाम से आएगा, कभी जामा मस्जिद आगरा के नाम से आएगा। तो इस सब का आंसर जो है वो शाहजहां है। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? कि ये गलत टाइप हो गया, ने धारण की, तो इसका सही आंसर है शाहजहां। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली में आप ऐसे भी अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर शाहजहां बताएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में लाल किला और जो जामा मस्जिद है दोनों का निर्माण शाहजहां ने कराया है, और इसीलिए उसने इन दोनों को निर्माण कराने के बाद उसने सोचा कि मैं अपनी राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर देता हूँ।
ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? शाहजहां। अब देखिए, शाहजहां ने जीवन के अंतिम 8 वर्ष कैद के रूप में कहाँ व्यतीत किए हैं? कैद के रूप में क्यों? तो राजा था, आप सोचिए जरा। ठीक है, इसका बेटा औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसने अपने बाप को शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, मतलब कि जीवन के मरने तक उसने उसमें कैद कर दिया। और 1558 में इसने कैद किया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1658 में इसने कैद किया है, 1658 में, और 1666 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1658 से 1666 ये वहाँ बंद रहे, ठीक है, आगरा के किले में। ठीक है, अब सवाल है, सिखों के गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर है औरंगजेब। ये मैंने कौन सी सिखों के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ये मैंने नहीं बताया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गुरु तेग बहादुर जो थे वो कौन से गुरु थे। एक चीज़ और बताना है कि इनको कहाँ पे मारा गया था, और जहाँ मारा गया था वहाँ आज एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा का क्या नाम है? ठीक है, आगे सवाल है, इनमें से किस राजा का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। 1658 में पहली बार हुआ, 1669 में दूसरी बार हुआ, 2 बार राज्याभिषेक सिर्फ एक ही मुगल के राजा का हुआ है, और उसका आंसर है औरंगजेब। किस मुगल शासक ने 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया था? पहला बार जजिया कर लगाया गया था दिल्ली सल्तनत के काल में, फिर उस जजिया कर को हटा दिया हमारे अकबर ने, ठीक है, और फिर से जजिया कर को लगा दिया किसने? तो औरंगजेब ने। अब कुछ लोग कहेंगे जजिया कर क्या है, तो जजिया कर हिंदू या फिर मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अपने मंदिर में या जाते हैं तो उनके लिए कर देना पड़ता है, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कर देना पड़ता है, उसका नाम जजिया कर था। ठीक है, तो इसको कई मुगल शासक आए, उन्होंने हटा दिया, फिर से लगा दिया। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये भी इसका सही जवाब क्या है? औरंगजेब ही है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई और कहाँ दफनाया गया है, दोनों ही सवाल इसमें है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि उसको दफनाया गया है दौलताबाद देवगिरी में, और इसकी मृत्यु कब हुई है, ये 4 ऑप्शन है, 1708, 1760, 1618, 1567। तो जो लोग दिमाग लगाएंगे वो तो निश्चित रूप से कहेंगे कि ये 2 ऑप्शन तो नीचे वाला कट हो गया, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस समय तो जहांगीर शासन कर रहा था और इस टाइम पे अकबर शासन कर रहा था नीचे वाले पे, तो इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है, इस तरह से आंसर को छांटना सीखिए एग्जाम्स में। ठीक है, इसका सही आंसर है 1707। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? ठीक है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई, सितार, बांसुरी या वीणा? इसका सही जवाब है वीणा। इसका सही जवाब क्या है? वीणा। मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा बजाते थे। ठीक है, और ये अंतिम सवाल है, और सवाल भी वही है कि इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, और इसका सही जवाब है बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इसी तरह से मैंने कोशिश किया कि मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और मैंने कोशिश किया है अपने तरफ से कि सब कुछ डाल दूं इसमें। बाकी अगर आपको इनमें से कुछ कमी है, कुछ और आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो अपना सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है, जो मैंने ये वीडियो बनाया है जिस तरीके से आपको पसंद आता है, और आपको लगता है कि अगर इस तरीके की और वीडियो बनाया जाए तो मुझे देखना चाहिए, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे सिखों के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।